एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हमारा अन्नदाता सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। किसानों के हित के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। गृह जेल संसदीय कार्यविधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा का चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में जोरदार स्वागत किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बरजोरा मोड़ पर जनता से चाय पर चर्चा की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारा अन्नदाता शक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अगर कोई सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है तो वह नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इरादों वाली सरकार है। मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता की आय दोगुनी करने, फसलों का सही मूल्य दिलाने, कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह जी ने आते सबसे पहले इस बार 370 की धारा हटाई। बताओ आप हटाए कि नहीं हटाए? आज कश्मीर को आजाद किया, 370 हट गई। आजादी के बाद से लोग कश्मीर में 370 को हटाने की हिम्मत नहीं करते। हमको हमेशा डराया जाता था पाकिस्तान के सैनिक आते थे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे सैनिकों का सिर काट के ले जाते थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे, और कांग्रेस की सरकारें सफेद कबूतर उड़ा के सफेद झंडा फहराती थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारे किसी सैनिक की तरफ टेढ़ी नजर करे। उधर से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है, गोला सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान की सीमा में घुस के आतंकवादियों को मारा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।